नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के और डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर, हमारी इकोनॉमी पर। आज हम कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला है कि 73% कंज्यूमर ट्रस्ट करते हैं जो AI कंटेंट प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है उसे। ये पता चला है एक स्टडी में। सो एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 73% जो कंज्यूमर्स थे सर्वे में ग्लोबली, ये ग्लोबल सर्वे था, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं जो भी कंटेंट जनरेटिव AI बनाता है, जैसे ChatGPT। 51% जो थे उनमें से वो अवेयर थे कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है AI में, और उन्होंने एक्सप्लोर भी किए हुए थे टूल्स, क्या टूल्स हैं, और कंज्यूमर्स ये जो है ये क्यों लव कर रहे हैं इस वक्त जनरेटिव AI को, ये इस सर्वे का एम था, इस सवाल का जवाब ढूंढना। तो इसी तरीके से काफ़ी शॉकिंग रेवलेशन ही है अगर देखा जाए तो यहाँ पर। और ग्लोबली कुछ बहुत ही बेहतरीन डेटा है ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें सर्वे का, जैसे कि ओवर हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ट्रस्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो AI को वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी यूज़ करने को तैयार है आधे से ज़्यादा लोग। 67% कंज्यूमर्स ये इंडिकेट करते हैं कि वो बेनिफिट कर सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में भी। आप ये काफ़ी डेंजरस ट्रेंड अगर आप देखें, क्योंकि AI इस वक्त भी अगर आप ChatGPT से कोई सवाल करते हैं, किसी और जनरेटिव AI से, लैंग्वेज मॉडल से, तो वो कभी भी 100% एक्यूरेट हर बार नहीं होता। अगर आप 10 बार सवाल पूछेंगे उनमें से कई बार ऐसा होगा कि इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज होंगे उसके, और कभी कभी एकदम ब्लंटली गलत होगा, वो एकदम ऑपोजिट चीज़ें वो बताएगा। तो इस तरीके से इतना ट्रस्ट बिल्ड करना, एंड आप ये भी जानते होंगे कि जैसे जो भी AI है ये वही डेटा ले रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है जो इंसानों ने ऑलरेडी लिख कर इंटरनेट पर डाला है, ये वहीं पर ये चीज़ें सर्च करता है। अब हो ये रहा है कि लोग ChatGPT और दूसरे AI से ही कंटेंट क्रिएट करके ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो यहाँ पर वो खुद ही अपना कंटेंट अपने आप को फिर फीड कर रहा है। तो इस तरीके से कैसे ये आगे इवॉल्व करता है और इतना ज़्यादा ट्रस्ट होना लोगों का इस पर कि वो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ करने को तैयार हैं, ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं, अगर लोग इस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी इसे यूज़ करने के लिए तैयार है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट्स के लिए और जो बना रहे हैं इस AI को, जो कंपनीज हैं उनके लिए भी, कि उन्हें डिस्क्लेमर देना चाहिए कि इसमें क्या क्या इनएक्यूरेसीज हैं अभी और क्या क्या कमियाँ हैं। और एक रीज़न ये भी है कि क्यों ये कई सारे जॉब्स को बहुत जल्दी रिप्लेस कर रहा है, कि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। एंड अभी आप ये कह सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क जो इसका है इसने पूरी तरीके से शोकेस नहीं किया है, लोग ऑफ कोर्स इससे बहुत इंप्रेस हुए हैं क्योंकि ये इंप्रेसिव है, लेकिन इतना ज़्यादा रिलाई करना कि अभी से आप जॉब्स आप कह सकते हैं कि ले ऑफ कर रहे हैं, AI यूज़ कर रहे हैं, आगे कहना बहुत मुश्किल है कि ये भी किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से इवॉल्व करता है। और इससे एडवाइस लेना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, जैसे कि 66% लोग कह रहे हैं कि वो पर्सनल रिलेशनशिप, लाइफ और करियर का भी एडवाइस लेंगे इससे, प्लस 63% लोग कह रहे हैं कि मेडिकल एडवाइस भी लेंगे। तो इस तरीके से इतना ट्रस्ट अगर इस पर जा रहा है और डॉक्टर्स पर और प्रोफेशनल्स पर अगर ट्रस्ट कम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है और लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि ये इस तरीके से आप इस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगला आर्टिकल शायद काफ़ी लोगों को ये इंटरेस्ट करे, नियरली 40% अपसाइड देखा गया है नायका के स्टॉक में एक साल में। अब नायका काफ़ी लोग आप में से जो महिलाएं होंगी वो यूज़ भी करती होंगी, जेंट्स भी यूज़ करते होंगे, एंड काफ़ी लोग इन्वेस्टेड भी हैं स्टॉक में, काफ़ी बड़ा पॉम्पस IPO आया था इसका। तो शेयर्स ऑफ FSN e-commerce ventures, ये इसे नायका इसकी कंपनी का नाम है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसे हम नायका बुलाते हैं वो उसका नाम है FSN e-commerce ventures। और मंडे को ये इंट्राडे 5% का इसने जंप लिया और काफ़ी सारी बाय कॉल्स आए हैं, काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं उन्होंने बाय कॉल्स दिए हैं स्टॉक पर। अभी फर्म्स का 2023 इन्वेस्टर डे था, उसके बाद ही जो स्टॉक इवेंचुअली अच्छा खासा 150 रुपये के करीब पहुंच चुका है, और ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है कुछ दिनों से। और इसका रीज़न क्या है, इस रीज़न को हमें डिकोड करना है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इनका जो प्रोजेक्टेड सेल्स है और जो एग्जिस्टिंग सेल्स है बहुत ही अच्छा इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ आया। एक चार्ट है यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, नॉट मेयर कॉस्मेटिक चेंजेस बैलेंसिंग ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन। तो नेट सेल्स 23, 24, 25 और 26,
तो 23 का एग्जिस्टिंग है, 24, 25, 26 का एस्टिमेटेड है, और आप देखें 5,144 जो 23 में है वो एक्सपेक्टेड है कि 11,221 होगा 26 में। ईबीटा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ये है अगर किसी को पता ना हो तो, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इसको माइनस किए बिना जो अर्निंग्स आती हैं वो अभी 256 करोड़ है और 2026 में एस्टिमेटेड है 1177 करोड़, तो ये करीब करीब 4 गुना ये भी बढ़ रही है, और EBITDA मार्जिन भी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी ये कह रहे हैं कि अभी 23 करोड़ है और 2026 में 700 करोड़ होगा। तो ये एक रीज़न तो ये है कि इन्होंने इतना बढ़िया अपना आप कह सकते हैं रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन दिखाया है। दूसरा एनालिस्ट, अब काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट हैं जैसे मैक्वायरी, उन्होंने तो टारगेट देखिए 115 का रखा था तो वही मेंटेन रखा है। जेफरीज, उन्होंने बाय रेटिंग दी और 200 का टारगेट दिया है। एलारा कैपिटल ने 210 का टारगेट दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने 210 का टारगेट दिया और कोटिक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ये भी 210 का टारगेट दे चुके हैं। तो देखिए आप इन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, ये हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रिसर्च के लिए देख रहे हैं कि बाकी ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हो या जो टाइम फ्रेम दिया है सबने अलग टाइम फ्रेम दिया है। तो आप खुद अपनी रिसर्च करिए, आप देखिए कि नायका जैसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए आपके रिस्क एपेटाइट के लिए सही है या नहीं, और जिस टाइम फ्रेम में आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट उस टाइम फ्रेम में देने को दे सकता है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।